हाँ जी दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पे, हर्ष एस्थेटिक पे। तो भाइयों, अभी जो मैंने रिसेंटली 3 वीडियोस डाली हैं, तो उस पे आपका सपोर्ट मुझे मिला है। मेरे कुछ थोड़े बहुत ही सब्सक्राइबर भी बढ़े, 2-3। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है। तो आज हम जो वर्कआउट परफॉर्म करेंगे वो रहेगा मेरा बैक का वर्कआउट। थोड़ा सा इंटेंस रहेगा बैक, और आप भी ये अपने बल्किंग के टाइम पर इससे लगा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यार दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, बैक का वर्कआउट लगाते हैं, और आप बाकी कमेंट सेक्शन में बताएगा आपको वर्कआउट कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर कमेंट, आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। तो चलिए आज लगाते हैं हम बैक का वर्कआउट। तो भाइयों, सबसे पहले हम लगाएंगे पुलअप से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि पुलअप आपकी ऐसी वर्कआउट है जो आपके ओवरऑल बैक का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं सिर्फ फ्रंट पुलअप, बैक पुलअप ही लगाऊंगा। आप चाहो तो फ्रंट भी लगा सकते हो। अगर आप इसके 4 से 5 सेट भी, अगर 10 15 रैप 12 रैप अगर डेली ले लेते हो ना, तो जो आपकी जो थिकनेस है बैक की, बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पुलअप से। पुलअप के हम 4 सेट लेंगे और फेलियर तक जाएंगे जितना मुझसे हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं पहले हम पुलअप। तो दोस्तों, ये हुआ मेरा पहला सेट। मैं आपको दो दो सेट ही दिखाऊंगा, बट करना आपको सारे वर्कआउट के 4 सेट्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैं लगाया आपको वैसे ही लगाना है पूरा फेलियर तक, जब तक आप मतलब कि एक भी रैप आप जा ना सको। तो हम सेकंड सेट लगाते हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं लेंगे। ये था मेरा दूसरा सेट। मैं आपको पहली वर्कआउट दिखाता हूँ अपनी, जो हम सिंगल आर्म लगाएंगे लैट पुल डाउन, बट उसका वेरिएशन बहुत ही डिफरेंट रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो भाइयों, हम आपको जो मैं आपको बता रहा था कि सिंगल हैंड से आपको लैट पुल डाउन लगाना है, अब इसका वेरिएशन देखना। आपको मेन अपने लैट स्ट्रेच करने हैं। तो आप यहाँ जमीन पर बढ़िया से प्लेस हो जाओ, ये पूरा स्ट्रेच ऊपर हो, पूरा स्ट्रेच करो, स्क्वीज योर बैक। सेम आपको इस हाथ से भी करना है। तो इसके हम 2 सेट लगाएंगे अभी, एक और। तो दोस्तों, अब हम लगाते हैं अपने सेकंड सेट। सेम वैसे ही करना है हमें। Ugh.
सेम हम इस हैंड से भी लगाएंगे। तो ये ऐसे हुआ हमारा पहला वर्कआउट कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बेंड ओवर रो मुझे करना है, कितना वेट लगाता हूँ, कैसे करता हूँ, ठीक है? तो चलिए बेंड ओवर रो करते हैं फिर। तो भाई हमारी सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है बेंड ओवर रो, और ये आप ग्रिप लगाओगे। अभी तो बहुत ही लाइट वेट है, चार सेट इसके भी लगाने हैं। मैं आपको एक दो सेट करके दिखाऊंगा, बाकी के दो आपको अपने लगाने हैं, ठीक है? चलिए दूसरा सेट लगाते हैं अब। ओके भाइयों, तो हमारा दूसरा सेटअप करते हैं हम। वेट हमने थोड़ा बढ़ा लिया, बेल्ट भी लगा लिया हमने। दो सेट मैंने कंप्लीट किया, अब हम लगाएंगे लैट पुल डाउन नॉर्मल ग्रिप से। तो भैया हमारा पहला सेट है लैट पुल डाउन का, तीसरी वर्कआउट हम करने जा रहे हैं। फ्रंट पे आप ग्रिप यहां से पकड़ो, पूरा स्ट्रेच, पूरा कॉन्टैक्ट। वन पहला सेट हमारा कंप्लीट हुआ, वेट इंक्रीज करेंगे और सेकंड सेट। ओके दोस्तों, तो हम लगाएंगे सेकंड सेट, वेट हम पहले इंक्रीज कर देते हैं। चलिए अंटिल फेलियर। बस ऐसे ही वर्कआउट आपको लगाना है, बॉडी कैसे नहीं बनेगी। अच्छी डाइट लो आप लोग, और कमेंट करके मैं बताओ, अगर आप कहोगे तो डाइट की वीडियो में बता दूंगा मैं दिन भर क्या खाता हूँ, उसकी वीडियो भी आ जाएगी। बाकी वर्कआउट आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ये हमारा तीसरा वर्कआउट था, अब हम लगाएंगे सिंगल आर्म डंबल रो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सिंगल आर्म डंबल रो लगाते हैं, चलिए। तो भाइयों अब हम लगाएंगे सिंगल आर्म डंबल कर, सॉरी सिंगल आर्म से हम डंबल करेंगे अब। पहले थोड़ा वेट में हटा दो यहाँ से। हाँ
सेम इसी तरह हम दूसरे हैंड से भी लगाएंगे। हैवी है थोड़ा दोस्तों, जय श्री राम। तो ये मेरा एक सेट कंप्लीट हुआ। अब हम हैवी वेट से ही 45 kg के डंबल से एक सेट और परफॉर्म करेंगे। तो भाई हम करते हैं अब सेकेंड सेट अपना, सिंगल आर्म रो 45 kg। आप भी चाहो तो ऐसी ग्रिप ले सकते हो, आपको ग्रिपिंग में बहुत आसानी हेल्प मिलेगी इससे। दोस्तों सेम आपको इस हैंड से भी करना है, आपने ग्रिपिंग बना ली इसकी ये। तो मेरा ये कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको एक बार रिकैप कर दूं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने तो पुलअप लगाई है 4 सेट। तो हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता है नॉर्मल, पहले हमने लगाया था सिंगल आर्म से लैट पुल डाउन, फिर हमने लगाया बेंड ओवर रो, थर्ड हमने लगाया लैट पुल डाउन नॉर्मल ग्रिप फ्रंट, फिर चौथा हमने लगाया सिंगल आर्म डंबल रो, और पांचवा हम लगाएंगे सीटेड रो। तो ऐसे हमारी बैक की वर्कआउट फिनिश होती है। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डेडलिफ्ट भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा शूट के लिए मुझे लेट हो रहा है, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ जिम में हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं डेडलिफ्ट भी करके दिखाऊंगा आपको। तो बल्किंग में यार देखो 8 से 9 वर्कआउट नहीं मैटर करता है, मैटर करता है कि आप कितने इंटेंसिटी से वर्कआउट कर रहे हो। 4 मैक्सिमम 5 एक्सरसाइज, 3 सेट 4 सेट बहुत होते हैं, 12 से 15 रेप ये आइडियल रेप रेंजेस हैं बल्किंग के लिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ यही ट्रूथ है, यही सच्चाई है। बाकी आपको कैलोरी अपने सरप्लस में खानी होती है, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें आप 200-300 कैलोरी एड ऑन करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाओ, और आप देखोगे कि आपके प्योर मसल मास धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। और बल्किंग में भी आपको जंक फूड अवॉइड करना है। आप संडे को या जिस भी दिन एक दिन एक मील सिर्फ चीट कर सकते हो, पूरा चीट डे नहीं लगाना, आपको चीट मील करना है। तो आपकी जो चीट मील से बेसिकली होता क्या है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना, जो स्लो हो रखा है आपकी प्रॉपर डाइटिंग की वजह से, तो वो भी फास्ट होता है, जिसे हम कहते हैं खाने को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस होती है, जो क्षमता होती है स्टमक की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से हम चीट मील एक लेते हैं। तो यही छोटी छोटी टिप्स है मैं आपको रोज देता हूँ। तो आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस वगैरह शेयर करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आइडिया बताइए और आपको कैसी वीडियो चाहिए। बाकी अगर आप कहोगे फुल डे ऑफ फिटिंग के, मेरी डाइट की, जो मेरी पर्सनली जो मेरी डाइट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपको अपने मेंटेनेंस कैलरी के अकॉर्डिंग खानी है। ऐसा नहीं कि अगर मैं 250 ग्राम, अगर 250 ग्राम अगर मैं कुक्ड राइस ले रहा हूँ एक टाइम पे, तो आपको भी उतना ही लेना, हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा लेना हो या कम लेना हो, तो वो आपको मेंटेनेंस कैलरी निकालनी पड़ेगी। तो बातें तो बहुत सारी है, करने को करने बैठ जाऊंगा तो बहुत ही टाइम निकल जाएगा। तो चलते हैं अपनी लास्ट वर्कआउट लगाते हैं, जो कि है हमारी सीटेड रो। तो चलिए दिखाता हूँ आपको सीटेड रो कैसे करते हैं। हम लगाएंगे सीटेड रो मशीन पे, ये वी ग्रिप आपको लेनी है। Oh.
बहुत टफ था, कोई नहीं, हो जाएगा। मैं वेट इंक्रीज करूंगा और सेकंड सेट में आपको दिखाता हूँ। चलिए तो भाई, हमारा सेकंड सेट स्टार्ट होने वाला है। ग्रिप में फंसा लेता हूँ, उससे थोड़ा सा ग्रिपिंग पे भी और थोड़ी सी वेट को लिफ्ट करने में भी हेल्प मिल जाती है। आप चाहो तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल है ये। मेन क्या होता है ना, जब हम हैवी लिफ्ट करते हैं तो हमारे जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, वो स्लिप करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उससे बचने के लिए और थोड़ा सा वेट को इजीली लिफ्ट करने के लिए हम स्टेप्स का हेल्प लेते हैं। चलिए, दोस्तों ऐसे ही आपको 4 सेट लगाने हैं। तो हमारी वर्कआउट यहाँ पे होती है फिनिश। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए मुझे, बहुत अच्छे अच्छे मैं कंटेंट लाऊंगा आप सबके लिए। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं शोल्डर के लेकर के आऊँगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। बाकी भी वर्कआउट फॉलो करो और हमें कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है इससे। बाकी फटाफट से वीडियो चैनल सब्सक्राइब करो। अगर मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ ना तो स्वाइप अवे नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। कुछ आपको इससे मिल ही रहा है, मुझे बदले में आपसे क्या चाहिए? सब्सक्रिप्शन, थोड़े बहुत लाइक्स और शेयर कमेंट। तो मिलते हैं सबसे नेक्स्ट सेशन पे, जिसमें हम लगाएंगे शोल्डर। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में और बस तब तक के लिए वर्कआउट करते रहिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद, जय श्री राम।